हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन 1, लेट्स नो द हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, हमें लेट्स नो द हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सोर्सेस से जो है हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेस है जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे। इन योर करिकुलम ऑफ स्टैंडर्ड 6 वी विल नो अबाउट द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस gives us informations about the world of a man like geography, economics, social conditions and the institutions, political activities and organizations। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे जो 6th स्टैंडर्ड का करिकुलम है उसमें जो है हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस उसमें यह बताया गया है, जैसे उसमें हमें यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे जो है वर्ल्ड के जो है मैन वर्ल्ड के जो जियोग्राफी है उसमें इकोनॉमिक्स कंडीशन जो है, सोशल कंडीशंस जो है लोगों के, इंस्टीट्यूशंस जो है, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताया जाता है सब्जेक्ट सोशल साइंस में। उसके बाद है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस सब्जेक्ट्स अदर देन द हिस्ट्री इंट्रोड्यूस विद सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट लाइफ, व्हाइल हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ विच वी नो अवर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है, उन सब के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन सोशल साइंस में मिलती है। उसके बाद में बताया गया है कि यहाँ पे जो है कि सब्जेक्ट जो है बाकी के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री जो है हमें वो जो सोशल साइंस में है प्रेजेंट एंड पास्ट उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे कि हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है एंड हम प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इफ़ इट पॉसिबल फॉर अस नो अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट, तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जो है पास्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में प्रेजेंट में जो है हम कुछ ज़्यादा नहीं जान सकते, हमें जो हमारा प्रेजेंट है उसे जानने के लिए पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना नेसेसरी होता है। उसके बारे में आगे बताया है कि हाउस मैन्स लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर एंड इमेजिन हाउ मच हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो है लोगों की लाइफ कैसी होती होगी जब उन्होंने फायर यानी कि आग की जो है उनकी खोज नहीं हुई थी, उसके बारे में लोगों को फायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तब उनकी लाइफ कैसी रही होगी उसके बारे में हमें थिंक करो। और उसके बाद में हमें बताया है कि मतलब आगे जो है उस समय में जो लोग थे वे विदाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड विदाउट एग्रीकल्चर, रोड्स, हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के बिना जो है कैसे रह सकते होंगे। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स। हिस्ट्री टेक्स अस अ डिफरेंट वर्ल्ड टू वर्ल्ड ऑफ पास्ट। इट गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स, डाइट एंड ड्रेस ऑफ पीपल डिफरेंट जनरेशंस। वी फील एज वी इफ वी आर वेंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें बताया है कि हिस्ट्री जो है हमें हमारे पास्ट के बारे में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है एंड हिस्ट्री से जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में जो है लोगों का ड्रेसिंग सेंस कैसा रहा होगा, उनका ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह कैसा रहा होगा, बिलीफ वगैरह, इन सब के बारे में हमें जो है पता चलता है। और उसके बाद में जो है तो हमें ये सब जानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जो है किसी और दुनिया में घूम रहे हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शुड वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विथ मेम्बर्स ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो एक्ट एज अ रेकर्स विद द करंट सिस्टम। वट वर अवर एनकस्टर्स एंड वेयर डिड दे लिव, वॉट डिड दे ईट। हिस्ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सच एज द मैटर। इट इन्फॉर्म्स अस टू अबाउट चेंजेस हैव अकर्ड इन ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आप सोचिए कि हिस्ट्री में जो है यहाँ पे हमें ओनली ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और उनके पास्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि जो है हिस्ट्री में हमें उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी सारे मैटर्स जानने को मिलते हैं जो कि हमारी करंट सिस्टम लाइफ में हमसे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में हमें बताया कि यहाँ पे जैसे हमारे पूर्वज जो थे वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वे किस टाइप की लाइफ जीते थे, और उसके बाद में जो है हमें सब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री से मिलती है। टूल्स एंड रिसोर्सेज ऑफ नो हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कौन से टूल्स एंड रिसोर्सेज है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। चिंतन रीड इन ए न्यूज़पेपर ए 4000 ईयर्स ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात। ही वॉज सरप्राइज्ड। हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4000 ईयर्स ओल्ड? हु माइट हैव बिल्ट इफ
एंड हाउ. वॉट वॉज द डाइट ऑफ पीपल देयर. वॉट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे मस्ट बीन वेयरिंग. तो यहाँ पे हमें पता है कि चिंतन जो है वह यहाँ पे 4000 ईयर्स पहले जो है एक सिटी की यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी जो कि कच्छ गुजरात में आया हुआ है. उसके बारे में जो है उसे यहाँ पे न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा और वो सोच रहा है और वो शॉक हो गया, वो सरप्राइज हो गया. वो ये सोच रहा है कि हम कैसे जान सकते हैं कि यह 4000 ओल्ड बिल्डिंग है एंड किसने बनाई होगी और उस समय में जो है लोगों का खाना क्या होगा, वे कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस टाइप का उनका जो है रहने का सेंस वगैरह होता होगा, उस सब के बारे में वहाँ पे जानेंगे. हाउ कैन वी नो हिस्ट्री. वी हैव डिफरेंट टूल्स ऑफ नो हिस्ट्री. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम किस तरह से हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. तो हिस्ट्री के बारे में हमें जो डिफरेंट टूल्स से इंफॉर्मेशन मिलती है.